सबसे पहले आसान सॉल्यूशन चैनल को सब्सक्राइब करना है और इस बेल आइकन पर हमारे लेटेस्ट सॉल्यूशन सबसे पहले देखने के लिए क्लिक करना है। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको एक जीएसटी सर्च ऐप के बारे में बताने जा रहा हूं। इस ऐप से आप न केवल पार्टी का जीएसटी नंबर सर्च करके उसकी पूरी डिटेल जान सकते हैं, बल्कि उसका स्टेटस भी जान सकते हैं कि उसने कौन कौन से मंथ की रिटर्न फाइल करी है, नहीं करी है, और ये बड़ी आसानी से और बहुत अच्छी तरीके से ये सब कुछ दिखाता है। तो इस ऐप के बारे में ज़्यादा बताने से पहले मैं आप लोगों को क्लियर कर दूँ कि इस ऐप से मेरा कोई लिंक नहीं है, मैं इसका कोई प्रचार नहीं कर रहा हूँ, ना इससे मुझे कुछ मिलने वाला है। ये सब मैं केवल आप लोगों की सुविधा के लिए बता रहा हूँ। मुझे भी किसी ने इस ऐप के बारे में बताया, मैंने इंस्टॉल किया और चेक किया, मुझे अच्छा लगा, इसलिए आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। तो चलिए अब शुरू करते हैं। तो इस ऐप का नाम आपको ऊपर दिख ही रहा होगा, आयरिस पेरी डॉट जी एस टी इन्फो के नाम से ये ऐप है। आप प्ले स्टोर में इसको डाउनलोड कर सकते हैं। मैं यहाँ प्ले स्टोर खोल लेता हूँ। प्ले स्टोर में आप सर्च करेंगे आयरिस पेरी डॉट जी एस टी एन सर्च, ये आपको सबसे ऊपर दिख जाएगा और इसको आप यहां से इंस्टॉल कर सकते हैं। इंस्टॉल करने के बाद ये आपको कुछ इस तरीके से दिखेगी ऐप। इंस्टॉल करने के बाद चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे ऊपर यहां GSTIN नंबर सर्च करने का ऑप्शन दिया हुआ है, तो मैं किसी पार्टी का GSTIN नंबर डाल करके सर्च करता हूं। तो मैंने यहां एक GSTIN नंबर डाला और इसके बारे में पूरी डिटेल यहां आ गई। सबसे अच्छी बात ये है कि केवल GST नंबर डालने के साथ ही सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ आ गई, मुझे कोई कैप्चा वगैरह फिल नहीं करना पड़ा जैसा कि GST की वेबसाइट पे करना पड़ता है। तो बड़ी आसानी से मेरे को सर्च करने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। तो इसका ये पूरी डिटेल आ रही है यहाँ, फिर इसकी GST इनकी इन्फो आ रही है। ये मेरे हिसाब से तो GST की वेबसाइट से ज़्यादा ही इन्फॉर्मेशन यहाँ शो कर रहा है। उसके बाद फाइलिंग स्टेटस कि कब कब इसने रिटर्न फाइल करी है, और ये मंथ वाइज बिल्कुल अच्छे से समरी बना करके आपको दे रहा है। रिटर्न का नाम और डेट ऑफ फाइलिंग, पूरी इन्फॉर्मेशन अब तक भी जितनी भी रिटर्न फाइल करी है सबकी डिटेल आपको यहाँ शो हो रही है। तो इस फाइलिंग स्टेटस की मदद से आप किसी भी पार्टी को आज GSTR2A मैच करने के बाद उनको कह सकते हैं, भैया आपने इस मंथ की GSTR1 नहीं भरी है, इस GSTR1 को भरिए ताकि हमको इनपुट मिल जाए। तो इसका बहुत फ़ायदा है फाइलिंग स्टेटस का। तो ये बड़ा अच्छी तरीके से आपको फाइलिंग स्टेटस बना करके दे रहा है ये ऐप। दोस्तों, एक बार आप अपना GST नंबर इस ऐप के अंदर ज़रूर डाल करके देखिएगा और मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा कि क्या ये ऐप सही है, क्या आपका स्टेटस सही शो कर रहा है या फिर अपडेट है या नहीं है। तो ये सब आप मेरे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम ऐप यूज करने के बाद हमारी वेबसाइट, गवर्नमेंट की जो वेबसाइट है gst.gov.in पर आते हैं। यहाँ टैक्स पेयर में आएंगे और यहाँ GSTIN, यहाँ सर्च के लिए बॉक्स आया है, यहाँ हम टाइप करके सर्च करने की कोशिश करते हैं किसी पार्टी के बारे में। जैसे मैंने एक पार्टी के बारे में आपको ऐप में भी सर्च करके दिखाया था, अब मैं आपको पोर्टल पर सर्च करके दिखा रहा हूँ। तो मैं यहाँ पार्टी का GSTN नंबर टाइप कर रहा हूँ और टाइप करने के बाद ये मुझसे कैप्चा पूछ रहा है, जबकि आपको ऐप में कोई भी कैप्चा आपसे नहीं पूछा गया और डायरेक्ट आपको रिजल्ट शो होते हैं। तो यहाँ कैप्चा पूछा है, कैप्चा पूछने के बाद सर्च हम करेंगे। सर्च बटन दबाने के बाद आपको यहाँ पार्टी की डिटेल दिख रही है, और ये पार्टी की डिटेल थोड़ा कम ही आपको दिख रही है ऐप की तुलना में। और यहाँ आपको फाइलिंग स्टेटस दिख रहा है कि इसने कब कब कौन कौन सी रिटर्न फाइल करी है, लेकिन ऐप के ऊपर थोड़ा अच्छे से मैनेज किया हुआ दिख रहा है फाइलिंग स्टेटस। और साथ में यहाँ केवल लिमिटेड इन्फॉर्मेशन दी हुई है, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन यहाँ नहीं दी गई है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। मैं लेकर के आता रहूँगा आपके लिए इस तरह की वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।